दुकान का मुंडा सीगा जोगिंदर जी का नाम मम्मी ने हाथ से लिखा है तो वो दुकान से नहीं आया तीन चार दिन हो गए तबीयत खराब चल रही थी बहुत मारा मम्मी ने दुकान का मुंडा ही है साड़ी दुकान से काम कर रहा है जोगिंदर मैं पापा जो शॉप पे आए नहीं थे दुकान का मुंडा सीगा जोगिंदर जी का नाम मम्मी ने हाथ से लिखा है तो वो दुकान से नहीं आया तीन चार दिन हो गए तबीयत खराब चल रही थी तो आए थे तो पापा कहते दुकान से आया तो दवाई लैके चल जा तू दवाई दवाई लेने भेजा सगा तो मैं आया साढ़े नौ पौने दस बजे दोस्त के पार्ट से उन्होंने पार्ट से मैंने फोन आया मैं घर ही सवेरे तो मैं पार्ट से गया उदो साढ़े नौ पौने दस बजे उस बाद यह आया गा मैं साढ़े ग्यारह बजे मुड़न निकलिया सगा उतना निकलने तो मैंने फोन आया ना पापा का भी आह गल हुई है ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे गल की हुई है गल पता ही मैं एक्चुअली घरे नहीं तो गली वाले ने सुन के आ कहते भी कारपेंटर से नाल वाले घर से साढ़े लगे तो मम्मी ने बहुत चिल्लाया भी मतलब बचाओ भी है ना हेल्प मंगी तो वो गला घोटता उन्हें चंगी तरह कमरे कमरे बंद करके बहुत मारे मम्मी हालत किस तरह की सी जिवें उन्होंने देखा तुसी गला दबाया कि उन्होंने क्रिटिकल सिचुएशन है डॉक्टर ने भी कहा बहुत क्रिटिकल है सिचुएशन कौन है बंदा पता लग सकता है दुकान का मुंडा ही है साडी दुकान ते काम करदा नाम की है जोगिंदर कितने टाइम तो काम कर रहा है 4 साल हो गए साडी साइकिल की दुकान है करे की करना है सी करे पता ही नहीं सानू देते उन्होंने दुकान को करे भेजा सी कि दवाई लग तू करे चल जा चोरी चोरी नहीं मारना आया सी इसका मम्मी ने कुछ सुंघाया उन्हें मम्मी कहते मैंने कुछ सुंघाया उन्हें गले तेरे सुंघा के बहुत मारा कहते समान चक चक के बहुत मारा मेरे उत्ते कहता लत्त लुत्त मारिया गला कोड़ता कहते मारो तो जे नाल वाले ना आते बस फिर अज बड़े सिचुएशन क्रिटिकल ही है तो डॉक्टर मारने की कोशिश की मारने की कोशिश की है पुलिस कंप्लीट करती पुलिस कंप्लीट करती पुलिस वाले गए पढ़न हूँ आपके घर बैठा गा क्योंकि पढ़ गए असं अपने अपने घर मतलब नॉर्मली जिम्मे घर काम करते हैं उम्मीद काम कर रहे थे इको दम मम्मा जी की आवाज़ आई उच्ची उच्ची गली रौला पे आ मम्मी ने चाची को देखा इन्होंने आके ना दरवाजा हैल्प हैल्प मंगी अंदरों तो खून के पूरे लथ पथ पे थे तो असं इको दम फिर डर गए सारे गली वाले इकट्ठे हो गए कि गल की हुई होया कि इन्होंने इन्हों गला घोट के मारन की कोशिश की गई कि ने हूँ ये लिख नाम लिखना चाहते वो बंदे का पर हजे वो इस सिचुएशन च नहीं है कि नाम लिख सकन पर असी पूछा तो इन्होंने कहा भी कोई काम करने वाला घर जिमें इन दे मिस्त्री लगे हुए सी भी कोई काम करने वाला बंदा ही है जेड़ा ये काम करके गया है तो हजे असी बाहरों दरवाजा ला लिया चोरी करने की कोशिश की हूँ ये तो ही प्रोपर पता लगेगा भी चोरी के वास्ते आए थे कि है दुश्मनी है पर जिमें लगता भी काम करने वाले ने किया तो हो सकता उन्होंने भी पता हो घर समान पे चोरी करने वास्ते आए लेडी है करीब 50 साल की एज है जो सानू हमें इनफॉर्मेशन मिली थी कि किसी व्यक्ति ने उन्होंने गला घोटने की कोशिश की है तो अभी मौके पर पहुंचे हैं बाकी अभी बयान वगैरह रजिस्टर कर रहे हैं जो भी अगर पढ़ने की कार्रवाई है उस दिन तक की है कुछ पता लगे कि कारण से कौन सा बंदा इन्होंने जो शाकीदार किया इन्होंने दुकान पर कोई काम करने वाला मुलाजिम है उन्होंने किया उसके उस अभी अगे एफर्ट्स कर रहे हैं वो वेरीफाई कर रहे हैं जे जिहदा भी रोल आऊगा इनवेस्टिगेशन टीम अभी देख रहे हैं हाँ जी पेशेंट नूं लैके आए ने एक नवीं बस्ती चों ते उन्हां दा गला वगैरह घुटिया स्ट्रैंगुलेशन दा केस हैगा बाकी ईएनटी डॉक्टर साहब देख गए अडीमा वगैरह हैगा ते अगे फिर देखदे आ रेफर करना सर डॉक्टर साहब देख रहे ईएनटी कंडीशन किस तरह कंडीशन फिलहाल सैचुरेशन वगैरह सांभ वगैरह तो ठीक है लै रहे हैं पर अगे ये थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसलिए रेफर कर रहे हैं कोई इंक्यूबेशन की जरूरत पै जानी है इसलिए कितनी उम्र है सर उम्र इन्हां दी हैगी है 45 लैके इन्हों नौजवान वेलफेयर सोसाइटी ले गया।